निधि अपनी मम्मी के साथ रामपुर नाम के गांव में रहा करती थी। निधि के पापा उसके बचपन में ही किसी बीमारी के चलते चल बसे थे। अब निधि की मम्मी दूसरों के घरों में काम करके पूरे घर का खर्चा चलाया करती थी। निधि का रंग सांवला था। निधि की एक चाची भी थी जो बहुत घमंडी थी, और उनकी बेटी रीमा वो भी उन्हीं की तरह बेहद घमंडी लड़की थी। रीमा को अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था। वो अक्सर ही निधि के सांवले रंग को लेकर उसका मजाक बनाया करती थी। रीमा कहती है, अरे देखो इस काली ने आज काले रंग के कपड़े पहने हैं, ये तो दिखाई भी नहीं दे रही है ना दोस्तों। अब इस बात को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इस दौरान सोनाली ये बात कहती है, अरे हाँ रीमा तो समय के साथ और भी काली होती जा रही है। अब इस बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लग जाते हैं। निधि रीमा से कहती है, रीमा मेरी बहन होकर भी तुम अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, रंग से इंसान की पहचान नहीं होती। ऐसा कहकर निधि वहां से चली जाती है। अब निधि अपने घर पहुंच जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद निधि की माँ देखती है कि निधि बेहद उदास है। निधि की माँ निधि से पूछती है, क्या हुआ बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो? अब निधि कहती है, माँ मैं इतनी काली क्यों हूं, रीमा मेरा बहुत मजाक उड़ाती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब निधि की माँ कहती है, बेटा काला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, काला और गोरा रंग तो ऊपर वाले की देन है। निधि अपनी माँ से, माँ आप रहने दो, आप मुझे हमेशा ऐसे ही समझा देती हो, पर आप बिल्कुल नहीं जानती कि रीमा मेरा कितना मजाक उड़ाती है और मुझे कितना बुरा लगता है। इतना सब कुछ कहकर निधि गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद रीमा और उसकी माँ निधि के घर आते हैं। रीमा, निधि कल मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना, और बड़ी माँ आप भी आना। निधि की माँ, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। और फिर रीमा और उसकी माँ वहां से चले जाते हैं। अगले दिन निधि और निधि की माँ तैयार होकर रीमा के बर्थडे में पहुंचते हैं, जहां पर रीमा अपने सभी दोस्तों के साथ खड़ी होती है। निधि रीमा से, रीमा हैप्पी बर्थडे। रीमा, थैंक्स निधि। रीमा निधि से, अच्छा देखो आज मैंने केक भी काला बनवाया है, आखिर तुम्हारे कलर से कुछ तो मैच होना चाहिए इस पार्टी में। रीमा हंसते हुए। अब इस मजाक को सुनकर निधि को बहुत बुरा लगा और वो बिना किसी को कुछ बोले उस पार्टी से बाहर निकल जाती है। निधि रोते रोते अपने गांव में बने तालाब के पास पहुंच जाती है। निधि उदासी में तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है और खुद से बात करते हुए कहती है, अगर मैं काली हूं तो क्या मुझे सच में जीने का अधिकार नहीं है? अब मैं और जीना नहीं चाहती। ऐसा कहकर निधि तालाब में कूद जाती है। जैसे ही निधि तालाब में कूदती है, उसके बाद एक जलपरी निधि को अपनी गोद में बैठाकर तालाब से बाहर लाती है। जलपरी निधि को जमीन पर लेटाती है और अपनी जादुई छड़ी से निधि पर जादू करती है, जिससे निधि सीधा उठकर बैठ जाती है। जलपरी, निधि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मैं तुम्हारे दर्द को बिल्कुल समझ सकती हूं, लेकिन इस तरह अपने इस अमूल्य जीवन को खत्म कर देना ये भी तो सही नहीं है ना? निधि, मैं जानती हूं जलपरी, लेकिन अब इस दुख को सहते सहते मैं थक चुकी हूं। जलपरी, निधि अब तुम्हारे दुख भरे दिन गए। निधि, वो कैसे जलपरी? जलपरी, निधि ये लो जादुई मेकअप किट, इस मेकअप किट को यूज करते ही तुम गोरी हो जाओगी, और अपने अलावा अगर इस जादुई किट का प्रयोग तुमने किसी और पे करा तो वो भी गोरा हो जाएगा। जलपरी इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब निधि ने उस मेकअप किट को खोला और जल्दी से अपना मेकअप किया। अब जादू हो जाता है। उस मेकअप किट को प्रयोग करते ही निधि बहुत गोरी और खूबसूरत हो जाती है। अब निधि को पता था कि उसे इससे क्या करना है। वो जल्दी ही उस पार्टी में वापस लौट जाती है। निधि जैसे ही पार्टी में लौटती है, सब लोग उसकी तरह देखने लगते हैं। रीमा निधि के पास आती है और कहती है, निधि तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? निधि रीमा को सारी बात बताती है। अब रीमा निधि की बात सुनकर अंदर ही अंदर जलने लग जाती है, और निधि की माँ ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद निधि और उसकी माँ दोनों मिलकर एक ब्यूटी पार्लर डाल देते हैं, और उनके पास गोरे होने के लिए बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। इस तरह निधि के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर निधि का मजाक कभी कोई नहीं उड़ा पाता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?